बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच जिस जमीन को लेकर लीज एग्रीमेंट हुआ है उस पर विवाद शुरू हो चुका है। नरकेरा के रैयत और विस्थापित नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जमीन बोकारो स्टील की है ही नहीं तो उन्होंने लीज एग्रीमेंट कैसे किया। विस्थापित नेता गुलाब चंद्र ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि स्टेडियम पर जमीन किसी कीमत पर नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर विधायक जमीन की नापी के लिए यहां पहुंचते हैं तो आएंगे अपने पैरों पर लेकिन जाएंगे स्ट्रेचर पर लेटकर। उनके इस बयान से आप स्थापित लोगों के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बिना पर जब क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और बोकारो के विधायक बिरंजी नारायण ने यह बात बड़ी जोर से बोल दिया, किसी का दम नहीं है रोकने के लिए। मैं ऑन बिहाफ ऑफ विस्थापित संघर्ष मोर्चा झारखंड नव निर्माण सेना यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेडियम बनाने के लिए नापने जोखने के लिए बोकारो के विधायक बिरंची नारायण जिस दिन आएंगे यहाँ वो अपने पैर से आएंगे लेकिन यहाँ से वापस जाएंगे स्ट्रक्चर में लेट करके। यह स्थिति यहाँ के विस्थापित पैदा करेंगे और उसके साथ मेरा लाल झंडा विस्थापित संघर्ष मोर्चा झारखंड नव निर्माण सेना और मैं खुद उनको स्ट्रक्चर में लाद के ही यहाँ से भेजेंगे। इसलिए मैं खबरदार कर देना चाहता हूँ, कागज पहले देखो, यदि स्टेडियम बनाना है ग्राम सभा करो, फिर से नोटिफिकेशन करो, जो लोग जमीन देगा जिनकी जमीन जाएगी वो उनका फिर से पेमेंट करो, आज के दर पर बनाओ। हमको कोई 967 एकड़ जमीन नरकरा मौजा में है जिसमें 600 समथिंग एकड़ जमीन जो है सेल ने एक्वायर किया है, 300 एकड़ से ज़्यादा जमीन सेल ने एक्वायर यहाँ पे किया ही नहीं। नरकरा मौजा में 300 एकड़ जमीन सेल लिया ही नहीं कभी। उसका पूरा कंप्लीट हम लोग के पास में कागजात है, विशेष भूअर्जन कार्यालय का NOC है और साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पे चास अंचल में जमाबंदी चल रहा है। नरकरा मौजा के जितने भी यहाँ पे आदिवासी हैं, आसपास के जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे खेतिहर जो ज़मीन है उसमें हमेशा से उन लोग खेती करते आ रहे हैं। इस मामले को भी उपायुक्त महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पे स्थापित हैं और जीवन यापन जो अपना चला रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।